इस भयंकर गर्मी में हीट स्ट्रोक होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। ऐसे में सिर्फ 2 चम्मच गोंद गतेरे का खा लो, लू लपट नहीं लगेगी, 100% आराम मिलेगा गर्मी से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आज की मेरी रेसिपी है गोंद गतेरा के बेनिफिट्स। गोंद गतेरा और गोंद में क्या फ़र्क है आज हम जानेंगे, और गोंद गतेरा हम किस तरीके से खाएँ जो हमें काफ़ी इसका बेनिफिट्स मिल सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किए हैं कर लीजिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पर हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर मैंने 2 बॉल में अलग अलग गोंद लिए हैं। ये मैंने लिया है गोंद जिसकी लड्डू बनाई जाती है सर्दियों में। सर्दियों में खाने से काफ़ी फायदा करता है और सर्दी नहीं लगती है, काफ़ी इसकी तासीर गर्म होती है। लड्डू में डाली जाती है घी में फ्राई करके, इसे गोंद बोलते हैं, इसमें काफ़ी चमक होती है। ये मैंने लिया है गोंद कतीरा, ये गर्मी में खाई जाती है, इसकी तासीर काफ़ी ठंडी होती है। गर्मी में खाने से लू लपट नहीं लगती है, गर्मी नहीं लगती, हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए ये खाया जाता है। गोंद कतीरे में बिल्कुल चमक नहीं होती है, बिल्कुल पत्थर जैसा होता है गोंद कतीरा, और गोंद में थोड़ी चमक होती है, शाइनिंग करती हुई गोंद होता है जो लड्डू हम बनाकर खाते हैं सर्दियों में। दोनों गोंद अलग अलग होती है, एक सर्दी में खाई जाने वाली और एक गर्मी में खाई जाने वाली गोंद कतीरा होती है। गोंद कतीरे को हम पानी में भिगोकर खा सकते हैं, दूध में भिगोकर खा सकते हैं, शरबत बना सकते हैं, पुडिंग बना सकते हैं। गोंद की हम सिर्फ लड्डू बना सकते हैं, लड्डू में खा सकते हैं सर्दियों में। दोनों काफ़ी अंतर है गोंद और गोंद कतीरे में। चलिए आज हम बनाते हैं गोंद कतीरे की कुछ ऐसी रेसिपी जो फटाफट से बन जाने वाली हो और आप इसे इंजॉय कर सकें। सबसे पहले गोंद कतीरा हम भिगो कर रखेंगे 7 से 8 घंटे के लिए ताकि अच्छे से फूल जाए। गोंद कतीरा हमें कम क्वांटिटी में लेना है, बॉल में डालेंगे, उसके बाद हम पानी डालकर भिगो कर रख देंगे ढककर 7 से 8 घंटे के लिए ताकि अच्छे से फूल जाए। काफ़ी क्वांटिटी इसकी बढ़ जाती है फूलने के बाद। कम क्वांटिटी में इसे हमें भिगोना है, कम लेना है, 1 चम्मच आप भिगो कर रखेंगे तो 1 बॉल भर जाएगा आपका, बिल्कुल आइस जैसा लगता है, जेली जैसा हो जाता है फूलने के बाद। गोंद कतीरा में प्रोटीन फॉलिक एसिड भरपूर पाया जाता है, इसके सेवन से शरीर को ताकत मिलती है। गोंद कतीरा को पानी या दूध में भिगो कर रखें और फिर सुबह मिश्री मिलाकर शरबत बनाकर पी सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी क्वांटिटी में बढ़ गया है गोंद कतीरा, पूरा बॉल भर गया है फूल कर। मैंने बहुत ही ज़रा सा भिगोया था और आप देख सकते हैं ना कितना ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ गया है, कई गुना बढ़ गया है और पूरा बॉल भर गया है गोंद कतीरा से। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल आइस जैसा लग रहा है, जैसे बर्फ का गोला होता है ना, बस उसी तरह से दिख रहा है ये गोंद कतीरा। तो फूल कर इस तरह से क्वांटिटी में ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए कम क्वांटिटी में हमेशा भिगोना चाहिए। रात में भिगो कर रख दीजिए और नाइट के लिए, अच्छे से फूल जाता है। फिर सुबह आप इसे मिल्क शेक में बच्चों को दे सकते हैं, आप शरबत बनाकर पी सकते हैं या फिर सिर्फ मिश्री मिलाकर खा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बच्चों को देना है तो आप इसे मिल्क शेक में बनाकर दे सकते हैं या फिर ग्लूकोन डी में मिक्स करके घोल कर बनाकर दे सकते हैं, रूअफ़ज़ा में दे सकते हैं, बच्चों को कई तरीके से खिला सकते हैं बच्चों को गर्मी से बचाव के लिए। बच्चे हों या बड़े सभी लोग ले सकते हैं ड्रिंक बनाकर इस तरह से। चलिए बनाते हैं 2 तरीके का ड्रिंक। 2 ग्लास लेंगे, दोनों ग्लास में डालेंगे 1-1 चम्मच गोंद कतीरा और 1-1 चम्मच डालेंगे मिश्री पाउडर। मिश्री का पाउडर मैंने बनाकर रख लिया था, इस जगह आप चीनी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। 1-1 चम्मच मैंने डाल दिया है। 1 ग्लास में हम पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे दूध में बनाकर दे सकते हैं, मिल्क शेक बना सकते हैं, बनाना शेक में दे सकते हैं, बच्चों को जैसे भी पसंद हो आप खिला सकते हैं। और बड़ों को जैसे खाना होता है, आपको चाहें तो आप सिर्फ मिश्री मिलाकर खा सकते हैं, अगर आपको डायबिटिक है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें ग्लूकोन डी, ऑरेंज फ्लेवर वाला ग्लूकोन डी मैंने डाल दिया है। तो मेरा ये बहुत ही अच्छा ड्रिंक तैयार हो गया है, बच्चे बहुत ही खुशी खुशी से इसको पी लेंगे। ग्लूकोन डी बच्चों को बहुत पसंद होता है। ग्लूकोन डी में आप इस तरह से गोंद कतीरा आइस क्यूब डालकर मिक्स करके दे सकते हैं ग्लास में शरबत बनाकर, तो बच्चे बहुत ही आराम से पी लेंगे और बच्चों को बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। दूसरे ग्लास में मैंने डाला है मिल्क, ठंडा मिल्क है, आप इस तरह से मिल्क डालिए, आइस क्यूब डालिए, रूअफ़ज़ा हो तो आप रूअफ़ज़ा डाल दीजिए इसमें, बहुत ही अच्छे से मिल्क शेक तैयार हो जाएगा बच्चों के लिए। तो गोंद कतीरा मिल्क शेक तैयार है, गोंद कतीरा यहाँ पर ग्लूकोन डी ड्रिंक तैयार है, तो आप किसी भी तरह से बच्चों को दे सकते हैं। इस गोंद कतीरे की कई ऐसी रेसिपी
आप बना सकते हैं गोंद कतीरे पुडिंग बना सकते हैं, आप गोंद कतीरे को ऐसे भी खा सकते हैं ड्राई फ्रूट और मिश्री मिलाकर, तो चम्मच खा लीजिए। अगर आपको तामझाम नहीं करना है या कुछ बनाना नहीं है तो आप बिल्कुल ऐसे ही भिगो कर रख दीजिए फूलने के बाद मिश्री, और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डालिए और चम्मच से खा लीजिए 2 चम्मच। गोंद कतीरा खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। रोज़ सुबह खाली पेट नाश्ते के टाइम 2 चम्मच गोंद कतीरा खा लीजिए। आप चाहें तो मिश्री मिलाकर खाइए या फिर आप बिना मिश्री के भी खा सकते हैं, चीनी मिलाकर खा सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं। आप चाहें तो उसे ड्रिंक बनाकर पी सकते हैं या फिर पानी में मिलाकर आप ऐसे ही पानी पी सकते हैं। गोंद कतीरा खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से गोंद कतीरा भिगो कर रखिए, इंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि इस भयंकर गर्मी में हीट स्ट्रोक का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में अपनी फैमिली को बचाने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, गोंद कतीरे को भिगो कर रख दीजिए ओवर नाइट के लिए। सुबह इसे मिल्क शेक, बनाना शेक या फिर मैंगो शेक में या फिर पानी के साथ इसे ले सकते हैं और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है गोंद कतीरा की, तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, मेरी ऐसी बहुत सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।